वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो फाइलम अर्थ्रोपोडा की क्लासेस का है। फाइलम अर्थ्रोपोडा जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आज जो है वो हम फाइलम अर्थ्रोपोडा की 5 क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच। तो क्लास मेरिस्टोमा जो है वो फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास जैसे कि इनके माउथ प्लेट्स, इनकी माउथ से रिजेम्बलेंस दी हुई है कि इनके माउथ के पास जो है वो प्लेट्स होते हैं। सेकंड क्लास जो है वो अरेक्नीड्स मींस के स्पाइडर्स, ये डिटेल से पढ़ेंगे। थर्ड क्लास है क्लास क्रस्टेशिया जिसके आउटर कवरिंग पे कैरापेस होता है। फोर्थ क्लास है क्लास मैरियापोडा, मैनी लेग्स, और इसको भी डिटेल से हम पढ़ेंगे। और क्लास इंसेक्टा हेक्सापोडा जिसकी 6 लेग्स होते हैं, तो इनको डिटेल से हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास मेरिस्टोमा जिसके माउथ के सराउंडिंग्स पे प्लेट्स होते हैं, ये स्मॉलेस्ट क्लास है। हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ पढ़ेंगे। तो ये सिंपलेस्ट इसकी क्लास है और इनका एक ही लिविंग फॉसिल रह गया है। लिविंग फॉसिल हम उनको, उन एनिमल्स को कहते हैं जिनके बाकी रिलेटिव्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हों, ख़त्म हो चुके हों, जिनके फॉसिल्स मिले हों और उनमें से उन्हीं से मिलते जुलते एनिमल्स हमें मिलते हैं जो कि अभी तक लिविंग हैं। तो ये लैमुलस है। लैमुलस जो हैं ये इनकी बॉडी जो है वो हॉर्स शू क्रैब की तरह है। इनको कॉमनली हॉर्स शू क्रैब कहते हैं क्योंकि हॉर्स के जो इनके हॉर्स के जो पाँव का शेप होता है वो बिल्कुल ही इनके इन एनिमल्स की तरह होता है, इसलिए हम इनको हॉर्स शू क्रैब भी कहते हैं। और हम इनको क्रैब इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर कवरिंग, जो एक्सोस्केलेटन कवरिंग है, वो कैरापेस होती है और क्रैब्स के अंदर भी जो है वो आउटर कवरिंग जो होती है वो क्रैब की होती है, कैरापेस की होती है, सॉरी। तो और सेकंड नाम इनको किंग क्रैब कहते हैं क्योंकि ये क्रैब से, क्रैब के कैरापेस जैसे होते हैं, क्रैब में भी कैरापेस होता है और इनमें भी। और हैबिटेट अगर इनको हम देखें तो ये फ्री लिविंग होते हैं और टोटली एक्वेटिक होते हैं। सेकेंड क्लास जो है वो क्लास अरेक्नीडा है। अरेक्नीडा मीन्स स्पाइडर लाइक, ये ग्रीक वर्ड है अरेक्नी जिसकी मीनिंग है स्पाइडर। तो इनके अंदर मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज़ जो है वो स्पाइडर है। इनके लेग्स पे डिपेंड करता है और ये 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। इस क्लास में जितने भी एनिमल्स हैं उनके 4 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, मींस के 8 लेग्स, 4 इस तरफ और 4 उस तरफ, मींस के दोनों लेटरली साइड जो हैं वो 4-4 हैं, इन 4 पेयर्स मींस के 8 लेग्स। तो अगर एग्जांपल को देखें तो स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, टिक्स एंड माइट्स, टिक्स एंड माइट्स जो हैं वो एक्टोपैरासाइट्स हैं, यानी कि होस्ट के ब्लड पे डिपेंड करते हैं। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स पे के ब्लड को सक करते हैं ये। और बाकी ये दो जो हैं वो टोटली टेरिस्ट्रल हैं। और इसके स्कॉर्पियंस के पास जो है वो स्टिंगर्स होते हैं इनके टेलसन रीजन पे, और टेलसन जो है वो इनके एब्डोमेन के बाद वाला रीजन होता है और टेलसन से ही ये स्टिंग करते हैं, अपने स्टिंग जो है वो अपने प्रीडेटर्स पर फेंकते हैं। और स्पाइडर्स जो हैं वो मोस्ट डोमिनेंट है इस क्लास में, स्पीशीज इनकी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये जो हैं वो सक्सेसफुल हैं इस क्लास में ज़्यादा, क्योंकि इनके पास जो है वो सिल्क ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपने पोस्टीरियर पार्ट से, अपने एनल रीजन से ये सेक्रीशंस करते हैं इन सिल्क ग्लैंड्स की, जो कि प्रोटीन्स होते हैं। और एक्सपोजर टू एयर से जो है वो ये प्रोटीन्स सिल्क थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम वेब कहते हैं, जैसे कि स्पाइडर्स के जो जाले बनाते हैं ये मकड़ियों के जाले, तो इसलिए हम इनको वेब कहते हैं। अब ये वेब जो होता है वो इनके प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है और बहुत ही इजीली से, शार्प माइंडेड होते हैं ये और बहुत इजीली से जो है ये अपने प्रे को कैप्चर कर देते हैं अपने वेब में और फिर उसको ईट करते हैं। इनकी हैबिटेट जो है वो टोटली टेरिस्ट्रल है और फ्री लिविंग होते हैं। थर्ड क्लास जो है वो इनकी क्लास क्रस्टेशिया है। क्रस्टेशिया जो है वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी की आउटर कवरिंग जो है वो एक सिंगल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कैरापेस कहते हैं।
हार्ड कवरिंग होती है। इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो क्रैब्स हैं, प्रॉन्स हैं, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स वगैरह हैं। तो ये एनिमल्स जो हैं वो इस क्लास में आते हैं और इनकी 5 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, दोनों लेटरली साइड में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो है वो 5-5 होती हैं, मीन्स के 10 लेग्स होते हैं इनके अंदर। और इनकी हैबिटेट को अगर हम देखें तो ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, जिनमें मैरीन और फ्रेश वाटर डिवेलर्स होते हैं और टेरिस्ट्रल भी होते हैं, बहुत कम होते हैं जो टेरिस्ट्रल होते हैं। और इनके अंदर सेक्यूलेना एक ऐसी जेनस है जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनको डेफनिया और साइक्लोप्स कहते हैं। ये ज़्यादातर पैरासाइट्स होते हैं और ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। और इनके बाद जो है वो टू पेयर्स ऑफ एंटीना होते हैं इनके अंदर। टू पेयर्स ऑफ एंटीना मीन्स के एक चार एंटीना होते हैं, ठीक है। और वन पेयर ऑफ मैंडिबल जो है इनकी लोअर जॉ को कहते हैं। इनके निचला जबड़ा जो होता है उनको हम लोअर जॉ कहते हैं, मैंडिबल्स कहते हैं, और वो वन पेयर का होता है, मीन्स के दोनों तरफ लेटरली साइड पर जो होता है एक पेयर, मीन्स के दो मैंडिबल्स होते हैं। और अगर दो पेयर ऑफ मैक्सिली होंगे जिसको हम अपर जॉ कहते हैं, इट मीन्स के फोर मैक्सिली होंगे जो ऊपर की तरफ होते हैं। तो ये इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इनके माउथ पार्ट जो इनके हेड रीजन्स वाले रीजन में होते हैं उनको डिफाइन किया गया है। और इनका हेड और थोरेक्स जो है वो फ्यूज्ड हो जाता है, जिसको हम सेफेलोथोरेक्स कहते हैं। सेफेलो मीन्स हेड एंड थोरेक्स मीन्स इनका थोरेकिक रीजन, ठीक है। तो इसी वजह से इनको जो है वो इनकी बॉडी सिंगल प्लेट से कवर होती है, जिसको कैरापेस कहते हैं, जो कॉमनली क्रस्टेशियन का नाम है। और यही कैरापेस जो है वो इनकी वॉकिंग में, चलने में हेल्प करता है, इनको वाटर के अंदर स्विम करने में हेल्प करता है, इनकी फीडिंग और इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सब के सब इसी सिंगल कैरापेस से ही होते हैं। फोर्थ क्लास जो है वो क्लास मैरियापोडा है। क्लास मैरियापोडा जो है वो इनको कॉमनली मैनी लेग्स कहते हैं, मीन्स के इनके अंदर बहुत सारे लेग्स होते हैं। इनके एग्जांपल में सिर्फ दो ही स्पीशीज हैं, सेंटीपीड और मिलीपीड। सेंटीपीड जिसको हम 100 पैरी कहते हैं और मिलीपीड जिसको 1000 पैरी कहते हैं। और इनकी हैबिटेट जो है वो कम्प्लीटली टेरिस्ट्रल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। और इनकी बॉडी को अगर हम देखा जाए तो मेटामेरिक सेगमेंटेशंस होते हैं, जैसे कि एनिलिड्स में होती थी। और इनका हेड और ट्रंक वाला रीजन जो है वो सिर्फ होता है, इनके अंदर थोरेक्स रीजन नहीं होता, इनके अंदर हेड और ट्रंक होता है। और जो हेड रीजन पे एक पेयर ऑफ एंटीनी होती है, जिससे ये अपना फूड सर्च करते हैं। और इनकी ट्रंक वाले रीजन के अंदर जो है, ट्रंक इज़ प्रोवाइडेड बाय पेयर लेटरल अपेंडिजेस। ट्रंक के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट, जिसको हम लेटरल कहते हैं, अपेंडिजेस होते हैं। अपेंडिजेस मीन्स जॉइंटेड लेग्स होती हैं इनकी। अगर वन पेयर ऑफ अपेंडिजेस होंगे तो वो स्पीशीज सेंटीपीड्स होंगे, और अगर टू पेयर ऑफ अपेंडिजेस होंगे मीन्स के दोनों तरफ जो है वो दो दो पेयर होंगे तो वो मिलीपीड्स होंगे। क्लास इंसेक्टा जो है वो लार्जेस्ट क्लास है, जिसके अंदर आर्थ्रोपोडा की स्पीशीज टोटल 80% है। बाकी फाइलम से आर्थ्रोपोड्स में ज़्यादा स्पीशीज हैं 80%, और उनमें से 90% आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं, यानी कि इनके अंदर 1 मिलियन स्पीशीज होते हैं इस क्लास में। इनकी स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। और इनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में होती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। इनको हेक्सापोडा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, जो यानी कि 6 लेग्स होते हैं, हेक्सा मीन्स 6 एंड पोडा मीन्स फीट, तो उनके थोरेक्स रीजन पे होते हैं। इनके विंग्स डेवलप होते हैं जो कि थोरेक्स के डोर्सल पोर्शन से अराइज हो रहे होते हैं। और इनकी हैबिटेट की अगर बात करें तो ये ज़्यादातर टेरिस्ट्रल होते हैं, ट्रू लैंड डिवेलर्स होते हैं। वो इंसेक्ट्स जो जिनके अंदर विंग्स होते हैं वो टेरिगोटा कहलाते हैं, और वो इंसेक्ट्स, वो ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स जो विदाउट विंग्स होते हैं उनको ए टेरिगोटा कहते हैं। ए मीन्स विदाउट एंड टेरिगोटा मीन्स विंग्स। और इनके अंदर जो है वो सारे स्पीशीज़ जो क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं उनके अंदर 1 पेयर ऑफ एंटीनी ही होती है, और एंटीनी का यही फंक्शन होता है कि ये अपना फूड सर्च करते हैं। और इनके अगर माउथ पार्ट की हम बात करें, जो इनके हेड रीजन में होता है, बाइटिंग एंड चीविंग। बाइटिंग मीन्स बाइट करना और चीविंग मीन्स चबाना। तो ये एनिमल्स, ये इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कॉकरोच होते हैं, एंट्स, चूंटियाँ और वेब्स।
और पीर्सिंग और सकिंग मीन्स के अपना जो माउथ पार्ट जो जो प्रोबोसिस होता है इनका वो बिल्कुल ही फ्लैश के अंदर डाल देते हैं और जिनसे इनका ये ब्लड सक करते हैं। मोस्टली जो है वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जैसे कि मॉस्किटोज, फ्लीज जो कॉमन बर्ड्स और एनिमल्स के एक्टोपैरासाइट्स हैं, और एफिड्स जो प्लांट के प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। चीविंग एंड लैपिंग टाइप जो है वो चीविंग और लैपिंग मीन्स चबाना और चाटना जो है वो हनी बीज करती हैं, और जो स्पंजिंग है वो हाउस फ्लाई मीन्स के स्पंजिंग मीन्स इनकी इनका जो माउथ है वो इस तरह बना हुआ है कि ये किसी भी फ्लूट फीडर्स होते हैं, ये ज़्यादातर किसी भी चीज़ के ऊपर जब बैठ जाते हैं तो इनके माउथ के अंदर एक स्पंजिंग टाइप इनका माउथ होता है जो जिससे ये सारी फ्लूट जो है वो सक कर देते हैं अपने स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ में। और साइफनिंग टाइप जो है वो बटरफ्लाई और मॉथ्स में ज़्यादातर होती हैं क्योंकि ये फ्लावर्स का जो है वो नेक्टर सक करती हैं।